भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी रिलायंस जियो ने एक बार फिर अपने दाव से दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं, जबकि जियो के इस फैसले का फायदा देश के मोबाइल फोन यूजर्स को होगा। जियो की वजह से माना जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया अपने यूजर्स के मोबाइल फोन रिचार्ज को जून तक नहीं बढ़ाएगी, यानी जून तक आपको अपने मोबाइल रिचार्ज के बजट में बढ़ोतरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल मार्केट लीडर रिलायंस जियो ने अपने 4G फीचर फोन की यूसेज कॉस्ट 25% तक घटा दी है। इसके साथ ही जियो फरवरी में 4G फीचर फोन कस्टमर्स के लिए 2 सस्ते ऑफर भी लेकर आई थी। जियो ने यह फैसला अपने 4G ग्राहकों की संख्या में आ रही गिरावट को रोकने के लिए लिया है। इसके साथ ही कंपनी का मकसद बाकी 30 करोड़ फीचर फोन यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित करने का है। रिलायंस जियो के इस कदम से VI के हाथ से टैरिफ में 25-30% तक की बढ़ोतरी हासिल करने का मौका निकल गया है। इसके साथ ही उम्मीद है कि भारतीय एयरटेल भी टैरिफ हाइक पर अपने कदम रोक लेगी। जियो ने शुरुआत से ही ग्राहकों को सस्ते में ज्यादा ऑफर्स का वादा दिया था, जिसकी वजह से कंपनी ने काफी कम समय में टेलीकॉम मार्केट का सरताज होने का खिताब हासिल कर लिया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से देश में जियो के खिलाफ चल रहे गलत प्रचार से हरियाणा और पंजाब में कंपनी का सब्सक्राइबर बेस घटा है, जिसके बाद से जियो का फोकस ज्यादा सब्सक्राइबर बनाने पर है। कंपनी की इस रणनीति से दूसरी कंपनियों की टैरिफ हाइक की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। एनालिस्टों का मानना है कि जियो के ऑफर से वोडाफोन आइडिया की चुनौतियां बढ़ेंगी। इसके साथ ही जियो के इस कदम से वोडाफोन आइडिया को सब्सक्राइबर लॉस घटाने और फंड जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पहले से ही AGR का काफी बोझ संभाल रही है, जिसे चुकाने के लिए कंपनियां टैरिफ बढ़ाने का रास्ता चुनती हैं। लेकिन अब इन दोनों के पास ही इस विकल्प की कम गुंजाइश है। इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को हर सब्सक्राइबर से होने वाली औसत कमाई यानी ARPU में रिकवरी की रफ्तार भी सुस्त हो जाएगी। हाल ही के दिनों में सबसे ज्यादा नुकसान वोडाफोन आइडिया को हुआ है। ट्राई के मुताबिक वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या में 56 लाख से ज्यादा की कमी आई है, जबकि भारतीय एयरटेल से 40 लाख से ज्यादा ग्राहक जुड़े हैं। भारतीय एयरटेल का कहना है कि वो टैरिफ बढ़ाने की पहल नहीं करेगी, लेकिन अगर किसी और ने बढ़ोतरी की तो वो जरूर अपने टैरिफ बढ़ाएगी। लेकिन हालात जो भी हों, टेलीकॉम कंपनियों के बीच चल रही इस खींचतान से ग्राहकों को फायदा जरूर होगा।